ओम नमः शिवाय। ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वदनम उर्वारुक्मिबंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। शिव जीवन का स्टार्ट, शिव ही जीवन का अंत। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। तो शिव का महिमा का गुणगान, शिव की भक्ति, सावन का महीना। आशा करता हूँ आप लोग शिव की भक्ति में लीन होंगे, आपने मेरे बताए हुए लास्ट वीक के उपायों को फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा सभी जातकों के, डिफरेंट राशियों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु शुभरतन पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह समय आपके अनुकूल रहेगा, कार्यक्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कारोबार में भी आपके इजाफा होगा। निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, यही निवेश आपको आगे चलकर अधिक फायदा दे सकता है। लंबी दूरी की यात्रा या विदेशागमन से भी आपको लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। इस सप्ताह छात्रों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की इस सप्ताह यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है। यदि आप मैरिड हैं तो आप इस सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ आपके बिगड़े हुए रिश्ते और मधुर होंगे, परिवार में सब कुछ मंगलमय रहेगा, शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको बेपरवाह नहीं बनना है, पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है, पिताजी माताजी की सेहत में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, चोट लगने की संभावना है, इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतनी है, सेहत का आपको अपने ख्याल रखना है, अध्यात्म की तरफ आपका जुड़ाव बढ़ सकता है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को कैसे और अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि माता दुर्गा की आराधना करके भोग लगाएं, आशीर्वाद लेके उनके मंगल पाठ करके उनका कवच पढ़ के आप किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए जाएं, पीले कलर पर फोकस करें, मुर्गों का दाना देना, साधु पंडितों को दान वस्त्रों का दान देना इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। घी आलू कपूर का भी मंदिर में दान करना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। शराब मदिरा नॉनवेज से आपको परहेज करना है। धार्मिक स्थल पर आपको बादाम का दान करना, माथे पर केसरिया तिलक लगाना और सोने के आभूषणों का धारण करना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैं हर वीक बताता हूँ कि ये सब उपाय, हो सकता है कि आप सारे उपाय कर पाएँ, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ उपाय करें। जीवन के अंदर जब तक जीवन है सुख और दुख आते रहेंगे, सुख और दुख से आपको भयभीत नहीं होना है। सुख में अपने आप को महान समझना और दुख में अपने आप को सबसे व्याकुलित समझना, दोनों ही स्थितियां गंभीर स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों से आपको बचना है। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा चाहिए कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव मेलेफिक इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट से बचा सकती है। उन पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो कैटलिस्ट हैं, ये वो उपाय हैं जिसमें रुद्राक्ष थेरेपी, जैम थेरेपी, स्टोन थेरेपी, बाकी आपके दान दक्षिणा, लोगों के प्रति आपके अच्छे विचार, ये एक तरीके के कैटलिस्ट हैं जो आपको किसी भी आने वाले डिफ़िकल्ट समय से बचा सकते हैं। डिफ़िकल्ट समय हर किसी इंसान की लाइफ में आएगा, उसको कैसे लेना है, उनके क्या उपाय करने हैं, यही उपाय हैं जो आपके जीवन को तार सकते हैं। तो इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा और शुभकारी रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।